आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक असमौली के गांव इटाला माफी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 70 किलोमीटर तो ब्लॉक से 18 किलोमीटर दूर है। 2000 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती भूरी ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चलें कि ग्राम प्रधान द्वारा लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की राशन व पैसे देकर आर्थिक मदद भी की गई है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। प्रधान प्रतिनिधि जाने आलम और सचिव रोहित कुमार के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफ़ी विकास कराया गया है। 4 वर्ष में इन्होंने किस तरह से गाँव को सजाया है और अभी भी किन किन समस्याओं से यहाँ लोग जूझ रहे हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं जिला संभल के ब्लॉक असमौली के इटाला माफी ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक कितना विकास करवाया गया है और किस तरह से यहाँ लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद की गई है या क्या प्रक्रिया इनकी अब तक जारी रही है पूरे कार्यकाल में, इस सब की जानकारी यहाँ प्रधान पुत्र से लेकर हम आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान पुत्र से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि यहाँ आपके पिताजी प्रधान हैं, 4-4.5 साल जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं उनके कार्यकाल को। जी, क्या क्या विकास कार्य अब तक अपने गांव में आपने करवा दिए? हमने सबसे पहला काम जब हम प्रधान बने तो सबसे पहले हमने गांव में साफ सफाई, उसके बाद स्कूल की मरम्मत, स्कूल में कमरा, एक कमरे की कमी चल रही थी, स्कूल में कमरा बनवाया बच्चों के लिए, CCTV कैमरे लगवाए स्कूल में, बायोमेट्रिक मशीन लगवाई और उसमें टाइल्स भिजवाई, कमरों में सीसी टाइल्स, फुल एचडी टाइल्स भिजवाई। ये स्कूल में इतना जो फैसिलिटीज आपने अवेलेबल कराई हैं और जितना भी सौंदर्यकरण कराया है, ये अभी अपने ही कार्यकाल में आपने यहाँ पर करवाया है या पहले से कुछ नहीं? पहले तो इस तरह था, पहले से इधर से पूरा गांव का आने जाना आम था बिल्कुल। चारों तरफ से बाउंड्री वॉल करने के बाद उसका रास्ता बंद कराया, उसमें सारे में टाइल्स भिजवाई और सारा काम एक नंबर कराया। जैसे इतना आपने यहाँ पर चेंजेस कराए हैं स्कूल में, एक तो मिशन कायाकल्प जो चली रहा है उसके अंतर्गत सौंदर्यकरण स्कूल का कराया ही जा रहा है लगभग सभी ग्राम पंचायतों में, लेकिन सुना भी है और देखा भी है कि आपके यहाँ स्कूल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो उससे पिछले जो कई सालों से शिक्षा का जो स्तर है, लेवल है, वो जैसा रहा है और अब इतना कुछ कराने के बाद में क्या फ़र्क आपको लगता है, क्या है? पहले हमारे स्कूल में 100-125 बच्चों के एडमिशन थे, जो आज का जो टाइम है 300-350 बच्चों से ऊपर एडमिशन हमारे आप हो चुके हैं। स्कूल को देखते हुए और गांव के बच्चे हमारे गांव में एडमिशन लेना चाहते हैं। बच्चे कुछ लोधीपुर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ पलवा के बच्चे हैं, हमारे गाँव के तो लगभग सारे बच्चे जो भी 5वीं क्लास तक बच्चे सारे हमारे सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अब जो आने वाला टाइम है, और मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा एडमिशन इस साल मतलब 400-450 एडमिशन मिनिमम हो जाएंगे। जी, इसके अलावा जैसे यहाँ पर आवास वगैरह मिले हैं लोगों को? आवास प्रधानमंत्री आवास ही मिले हैं, 4 आवास आए थे, वो 4 आवास सारे सर बन चुके हैं, ODF हो गई है, सीसी टाइल्स वगैरह भी करवाया होगा जैसे यहाँ पर, या अभी भी रास्ते जो है कच्चे बाकी हैं? हमारे गांव में मिनिमम 10% कच्चे रास्ते बाकी रह गए ना, तो पूरा गांव RCC हो चुका है। गाँव में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई की व्यवस्था मैं मानता हूँ कि पूरे ब्लॉक के अंदर मेरा गांव पहले दूसरे नंबर पर होगा साफ सफाई के मामले में। देखोगे आपने देखा भी, 2 सफाईकर्मी हमारे यहाँ है, वो डेली सफाई होती है हमारे यहाँ। हमने पूरा गांव को 15 भागों में डिवाइड कर दिया है कि आज तुम्हें फलस रोड पर काम करना, आज उधर काम करना, टोटल सिस्टम से। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से काम करेंगे वो, जब हम रोस्टर बना दिया उन्हें कि आज इधर से रोड पर आना, तुम आज इधर से रोड पर आना, टोटल काम मतलब सिस्टम है। तो जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं गरीबों के लिए, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों को इन सभी योजनाओं का लाभ पूरा पूरा मिल पाता है? ये किसान सम्मान निधि में पूरा पूरा लाभ मिला था लोगों को, पर अब जो तो कुछ दिक्कत आई है, जैसे आधार कार्ड किसी में, क्या आधार कार्ड में दिक्कत आ गई, किसी के नाम में दिक्कत आ गई, किसी के खाते में दिक्कत आ गई है, तो कुछ किस्त अब रुक गई है ना। तो पहले स्टार्टिंग में सारे हमने फार्म भरवाए थे, सारी किस्त आएंगी, अब कुछ जो है जो कमियां थी उनके अंदर वो दूर करा दी गई है, कुछ रह गई है जो उनका बाकी आपकी कोशिश आगे पूरी जो है जारी है। बिल्कुल पूरी जारी है। जैसे यहाँ लॉकडाउन रहा है देश में पूरे 70 दिन का पूरी तरह से रहा है, अभी भी अनलॉक है, लेकिन उस समय में कई परिवार ऐसे थे जिनके आगे बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई हैं, खाने पीने को लेकर के, काम को लेकर के, तो ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में भी कई गरीब परिवार ऐसे होते हैं जिनके आगे कोई जो है ऑप्शन नहीं नज़र आता, तो उस
दौर में, मतलब उस टाइम पीरियड में आपकी क्या भूमिका रही, किस तरह का योगदान आप यहाँ लोगों को, ऐसे गरीब परिवार को? मैं तो बताना चाहूंगा कि मैं उन लोगों का नाम तो नहीं ले सकता जी, नाम लूंगा तो उनकी बंदूरी से आदमी गलती फील करता है, इसलिए मैंने जिस हिसाब से मैंने सोचा कि जिस हिसाब से मुझसे मदद हुई, किसी को नाज देना हुआ नाज से, किसी को पैसे से, जो मेरे बस की हुआ मैंने उस लोगों को मदद की है, जो भी हो सका, मुझसे जो बन सका मैं लोगों को इस तरह से मदद की है पूरी तरह से। मतलब आपने जो है यहाँ राशन को लेकर हो या पैसे को लेकर हो, जिसकी जो भी परेशानी रही आपने उसमें पूरी मदद, बिल्कुल बिल्कुल। लोग आए हैं तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में भी बाहर से मजदूर वगैरह कुछ आए हैं? जो लोग बाहर से जैसे हुई वो अगर कोई आया है तो, मैंने जो भी लोग बाहर से आए थे उनके मैंने स्कूल में क्वार्टर टाइम की भी जगह बनाई थी, और कुछ लोग मैंने क्वार्टर टाइम भी कराए थे, और मैंने सारे लोग जो बाहर से आए वो इस मोली में मैंने जांच भी कराई उन लोगों की, ऐसा नहीं मैंने किसी भी गांव में ऐसे नहीं घुसने जो बाहर से आए और डायरेक्ट अपने गाँव में बना दिया, मैंने जो भी लोग आए थे उनकी पहले तो मैंने जाँच कराई, उसके बाद क्वार्टर टाइम कराया। अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? मैं बस यही चाहता हूँ, मेरे गांव में वैसे तो कोई कमी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हर खंभे पर लाइट लगनी चाहिए, और बस टंकी की जो चल रही है, बिल्कुल। अस्पताल कितनी दूर? अस्पताल हमारे यहाँ है, बना हुआ है, हमारे गांव में बनवाया था स्वास्थ्य केंद्र, और वहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं बैठा, हमारे यहाँ ना किसी भी गाँव में नहीं बैठा जी। ये जो थोड़ी दिक्कत है, 90% गाँव में ऐसा है कि खाली बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग डॉक्टर नहीं बैठा, भैया नहीं होता ना दवाई का डॉक्टर, कुछ नहीं। शमशान घाट कब्रिस्तान बने हुए हैं, बाउंड्री वॉल वगैरह हुए? हाँ, शमशान घाट तो वैसे नहीं बने हुए, कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई है मैंने। पंचायत घर, शादी घर? नहीं, पंचायत घर है ना, शादी घर है, आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र है। कितने परिवार आपके गांव में अभी ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? मेरे यहाँ मिनिमम ऐसे 40-50 लाभार्थी है जिन्हें आवासों की जरूरत है, मैंने उनका मतलब ऑनलाइन करा दिया है, और अनलाइन चाह रहा हूँ उनका जल्दी जल्दी आवास मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर एक यंग जनरेशन से, यहाँ लोगों की उम्मीदें भी आपसे काफ़ी हैं, और उम्मीदों पर आप लगभग हमें लग भी रहा है कि खड़े उतर भी रहे हैं, काफ़ी सिस्टमेटिकली आप अपने गांव में डेवलपमेंट जो है करते आ रहे हैं, तो अब अनलॉक हो चुका है, लॉकडाउन भी जारी है, बीमारी भी कंटिन्यू बढ़ने पर है, मतलब सारी समस्याएं लगभग साथ साथ चल रही हैं, तो इसमें अपने गाँववासियों से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के उन्हें कोई सजेशन, कोई सुझाव या कुछ आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस समय? मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे भी अगर किसी को काम मिलता तो काम करें, और जिन लोगों को बाहर नहीं जाना चाहते वो मनरेगा में काम करें, मनरेगा काम चल रहा है डेली, जैसे भी काम चलता है मेरे पास काम, मनरेगा में जो भी होगा हम उन्हें दाढ़ी मजदूरी देंगे, और बाकी अपने मास्क लगाए बगैर गाँव से बाहर ना जाए, बस यही मैं लोगों से कहना चाहूँगा। हाँ, अपनी सुविधा पूरी रखें जो भी मिल सके। जैसा कि आपने देखा, यहाँ ग्राम प्रधान पुत्र से हमने बातचीत की है, काफी विकास यहाँ बीते 4 सालों में करवाया गया है, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य, आवास भी मिले हैं, सड़क निर्माण, ODF ग्राम पंचायत हो चुके हैं, स्कूल का कायाकल्प के अंतर्गत जो सौंदर्यीकरण करवाया गया है और जो सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई गई हैं उसका फर्क यहाँ ठीक ठीक देखने को मिल सकता है। स्कूल के हालात और शिक्षा का जो स्तर है वो पहले से कई गुना ज्यादा अब बेहतर हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो कुछ समस्याएं अभी बाकी हैं, जैसे बारात घर, पंचायत भवन, खेल का मैदान या शमशानगढ़, इस तरह की कोई भी जो सरकारी बिल्डिंग है या बाउंड्री है शमशानगढ़ की, वो यहाँ निर्मित नहीं है। साथ ही साथ यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की जो समस्या हमें नजर आई है, और ज्यादातर गाँव में 95% गाँव ग्राम पंचायतों में ऐसा देखने को मिलता है कि केवल स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग निर्मित है, लेकिन ना तो वहाँ कोई डॉक्टर है, ना ही वहाँ किसी को किसी तरह की दवाई मिल पाती है। अशरफ अली के साथ मनाजिम टू 24/7। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। कहाँ के निवासी हो? इटाला माफी। यहाँ 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान के कार्यकाल को जी, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? जी, विकास तो काफ़ी हुआ है, मगर जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं उनसे भी ज़्यादा इसमें विकास हुआ है। ज़्यादा हुआ जी। आप इनके कार्यकाल से सहमत हो? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुल हसन है। जी रियाजुल हसन जी, कहाँ के निवासी हो? इटाला माफ। अच्छा, यहाँ पे 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान के कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? ये सही हुआ, जितना हुआ विकास बढ़िया हुआ। मतलब सड़कें किस तरह, जिस तरफ पर आप खड़े हो ऐसी सड़कें बनी हुई होंगी। बढ़िया। आप इनके कार्यों से सहमत हो? हाँ, कोई परेशानी नहीं। बढ़िया, कोई परेशानी नहीं, इस तरह से कोई बात नहीं।